उत्तर प्रदेश सरकार भले ही स्वच्छता मिशन को लेकर कई प्रकार के अभियान चला रही है, लेकिन वही नगर पालिका की मनमानी के चलते नौनिहाल बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, मैनपुरी सदर तहसील क्षेत्र के संसारपुर फर्दपुर रोड पर संत विवेकानंद इंटर कॉलेज में करीब 1100 बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय के पास ही नगर पालिका की मनमानी के चलते कूड़ा डाल दिया जाता है। कूड़े के साथ साथ कूड़े में मरे हुए जानवर भी कूड़े में दबा दिए जाते हैं, जिसके बाद कूड़े का ढेर इकट्ठा ना हो सके तो नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा कूड़े में आग लगा दी जाती है, जिससे निकलने वाला दूषित धुआं स्थानीय लोगों व विद्यालयों के बच्चों के लिए बीमारी का कारण बन रहा है, जिससे पूर्व में भी करीब सैकड़ों की संख्या में बच्चे बीमार हो चुके हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल से सैफई तथा आगरा तक भर्ती कराया गया, जिसकी आवाज को उठाते हुए संवेदना फाउंडेशन के अलावा कई प्रकार के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांगों को रखा कि इस दूषित कूड़े को कहीं और पर डाला जाए, जिससे लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ ना हो सके। इसी मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कराया गया कि नगर पालिका की मनमानी के चलते कूड़े को विद्यालय के नजदीक ही डाल दिया जाता है, जिससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से दूषित धुआं व मक्खियों से बच्चों को पढ़ने में काफी समस्या पैदा हो रही है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और समाज सेवियों ने कूड़े में जलती आग मरे हुए जानवरों के डालने पर रोक लगाई गई तो मुख्यालय पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विद्यालय का नाम क्या आपकी? अच्छा, ये बताइए, ये उड़ता हुआ धुआं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपसे और ये कहाँ से आ रहा है? ये पीछे हमारे जो स्कूल के पीछे कचरा पड़ता है उससे आता है, और यहाँ डेली धुएं से काफी लोग सांस नहीं ले पाते। हमारी प्रेयर के टाइम पे काफी बच्चे डेली बेहोश हो जाते हैं चक्कर खाकर। अच्छा। किसी को वोमिटिंग आती है तो क्लास में जाके भी काफी परेशानी होती है, और इससे काफी मक्खी भी आती है, बार बार डिस्टर्ब करती है, नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से। और क्या क्या मतलब असुविधा होती है पढ़ाई में? मक्खियाँ धुएं के कारण, धुआं आता है तो एकदम से अजीब सा अजीब हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, उल्टियाँ आती है, कई लोग रेगुलर बीमार पड़ते हैं यहाँ पे, दो या तीन दिन बाद हर बच्चा बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मन खान, ये धुआं जो उड़ रहा है आपके स्कूल में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और आप क्या यहाँ पर रात में रुकते हैं या नहीं? हाँ, यहाँ पर रुकते हैं, जो ये मेरा सर्दी मतलब ये मेरे से तैयारी है, तो यहाँ पर रुकने में जब शाम को लेटते हैं तब यहाँ पर धुआं आता है, तो काफ़ी मेरा डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई करते हैं तब भी शाम को डिस्टर्ब होता है जी। और मतलब कि किसी बच्चे को उल्टी आ रही है तो कोई शाम टाइम मतलब ज़्यादा ही धुआं के कारण बच्चे सो भी नहीं पाते हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग हैं आपने? हाँ मतलब हम लोग 20-25 लोग हैं जो हॉस्टल में रुकते हैं, मेरे रिश्तेदारी कोई। अच्छा, आप बाहर के रहने वाले? हाँ, हम बाहर के रहने वाले हैं कन्नौज से। तो विद्यालय का नाम क्या है आपका? SBR इंटर कॉलेज संसारपुर मैनपुरी। अच्छा, तो क्या इसके लिए आपने कोई शिकायत वगैरह की कभी कि हाँ यहाँ धुआं आता है, आपने टीचर से बताया कि नहीं? सर को बताया था तो सर ने कहा था हम मतलब कि DM डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के पहुँचाएंगे ये खबर, फिर उन्होंने जब एक्शन लिया होगा तभी आप यहाँ। नहीं तो क्या मतलब कोई कार्रवाई अभी हुआ या धुआं बंद हुआ हो पाया कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इससे। आप किस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं? मैं संत विवेकानंद आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, ये यहाँ धुआं से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? धुआं से बच्चों की आंखों में जलन होती है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और धुआं के अलावा जो दुर्गंध आती है क्योंकि मेरा जानवर भी पड़ते हैं, तो उसकी दुर्गंध से बच्चों को वॉमिटिंग होती है और बहुत सारे संचारी लोग। कैसे कैसे जानवर पड़ते हैं यहाँ? मृत खासतौर से सबसे ज़्यादा सुअर और मृत गाय, ये पूरे नगर पालिका परिषद जो क्षेत्र है पूरा वहाँ से आते हैं और यहीं पर पढ़ते हैं और खुले में पढ़ते हैं, तो दुर्गंध आती है, दुर्गंध बहुत पूरे टाइम तक आती है। अच्छा, अगर जो बात की जाए तो आपके विद्यालय में कितने छात्र ऐसे हैं मतलब मौजूद हैं जो बीमार हैं? बीमार हैं जैसे कि, और वैसे छात्रों की संख्या क्या है? वैसे टोटल छात्रों की संख्या लगभग 1100 से ऊपर है जी। हाँ, और 900-1000 बच्चा प्रेजेंट भी होता है, लेकिन जब से ये कूड़ा पड़ा हुआ है और इसमें आग वगैरह लगती है तो आधे बच्चे बीमार ही रहते हैं, तो मुश्किल से आधे बच्चे प्रेजेंट हो पा रहे हैं जी। तो उनका उपचार वगैरह का? उपचार के लिए मेरे पास सारी डिटेल है, यहाँ से डायरेक्ट मैंने सिटी हॉस्पिटल सैफई आगरा तक बच्चे यहाँ से गए हैं। अच्छा, बीमार धुआं के कारण? धुआं के कारण, धुआं के कारण। अच्छा, ये जो कूड़े की वगैरह बात की जाए तो कहाँ से आया ये कूड़ा और कौन डाला है? स्कूल के पीछे ये गौचर की भूमि है, उसमें नगर पालिका परिषद मैनपुरी है, वो पूरे नगर पालिका क्षेत्र का पूरा कचरा डंप कर रहा है, जबकि स्कूल तो है ही, यहाँ पे 1100-1200 बच्चा प्रेजेंट होता है, पूरे क्षेत्र का बच्चा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये रिहायशी इलाका भी है, पास पास बिल्कुल घरों के पास में आप पीछे देखेंगे तो बिल्कुल आबादी है, आबादी क्षेत्र है, पूरा आबादी क्षेत्र है। और धुआं की प्रॉब्लम जो है ना कब से चल रही है आपकी?
ये लगभग 6-7 महीना हुआ है जब से कूड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई शिकायत वगैरह की थी? मैंने डीएम साहब से शिकायत की कई बार, एक बार नहीं 10 बार डीएम साहब से शिकायत की, एसडीएम महोदय से शिकायत की जी, और ईओ से कई बार शिकायत की, लिखित में शिकायत की जी। इसके अलावा जो हमारे मंत्री जी हैं, वर्तमान मंत्री जयवीर सिंह माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी से भी मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया जाता है, अभी 29 पिछली 29 तारीख को मैंने बच्चों को रोड पे किया था ताकि समझ सके, तो एसडीएम महोदय आई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? लगभग 1 महीना हो गया पूरा, कोई समाधान नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो कूड़ा डंप हो रहा है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, मतलब मानकों की अनदेखी करते हुए हो रहा है, ये कोई तरीका ही नहीं है, उसके बावजूद भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ठीक सर, क्या नाम है? धर्मवीर सिंह राही, संवेदना। सर, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? संवेदना फाउंडेशन। सर, आपका ये जो फाउंडेशन है किस तरह से जो ना समाज सेवा का काम करता है सर, और ये कुछ जो धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सर इस पे क्या कहेंगे और आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? ये हमारा संवेदना फाउंडेशन सामाजिक कार्य गरीब अनाथ बच्चों के लिए काम करता है, और ये जो विद्यालय के जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में हमारे साथ, ये कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे संवेदना फाउंडेशन के, सिकंदरपुर से हैं, और ये सेवा आफ्ताब जी हैं, गुड़िया जी हैं, ये पूरे गाँव, एक विद्यालय ही नहीं, यहाँ कई जगह से फ़ोन आके ये बताया गया कि यहाँ बच्चों को रात को बड़े बूढ़े लोगों को अस्थमा की बीमारी हो रही है, उल्टी हो रही है, यहाँ रिहायशी इलाका भी बहुत प्रभावित है। तो मेरी जिला प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से, सरकार से मेरा निवेदन ये है कि इन बच्चों के नौनियाल भविष्य को बचाने के लिए और क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए ये यहाँ से कचरा हटाया जाए, और ईओ और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब अगर हम बात करें धुएं की, तो किसानों के द्वारा जो है ना खेत में पुआर जलाने से उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, तो ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं नगर पालिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसके संबंध में बता दूं कि गरीब किसान तो प्यार से पराली जलने से कभी कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि वो 5 मिनट में जलना बुझना होता है, और ये चूंकि ऐसा है सुबह से लेकर शाम तक ये धधकता है, इसमें सीधा 24 घंटे धधकता है, और इसमें प्लास्टिक है, मरे हुए जानवर है, केमिकल से जुड़े पता नहीं तमाम तरह की विषैली गैस सी निकलती है इससे, जो लोगों के लिए जीवन इनका खतरे में पड़ रहा है। और मैं चूंकि चाहता हूं कि यदि पराली पर अपराध हो सकता है, पराली जलाना अपराध हो सकता है, किसानों के लिए हो सकता है, तो फिर इतनी बड़ी ये इन लोगों के साथ जो नगर पालिका खिलवाड़ कर रहा है, तो इनके खिलाफ, ईओ के खिलाफ, और इससे जिम्मेदार जो भी नगर पंचायत के कर्मचारी हैं नगर पालिका के, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए।